गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश की जो हमारी बुक है की सीरीज चल रही है उसमें से आज हम सेकेंड पार्ट मतलब उसके आगे का हिस्सा। कल हमने देखा था साइड, रूट वर्ड चल रहा है। रूट वर्ड में साइड मैंने देखा था, साइड का मतलब होता था हत्या, अर्थात जिसमें लास्ट में साइड जुड़ा होता था उसमें कुछ भी हो लेकिन सेंस जो निकलता था वो हत्या का सेंस निकलता था। आज उसी में अगला टॉपिक है मेरा फोबिया। फोबिया का मतलब होता है भय। अगर वाक्य दिया रहेगा, वाक्य में के अंत में अगर फोबिया शब्द मिल जाए तो जान लीजिएगा कि भय से संबंधित है, किसी चीज के डर से संबंधित है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एरोफोबिया, एगोराफोबिया, एक्रोफोबिया, एथनोफोबिया, क्रोमोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, मोनोफोबिया, एंग्लोफोबिया। तो इसमें सब में देखिए लास्ट में फोबिया लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं हमको फोबिया मिल जाएगा तो इसका मतलब भय होता है। ठीक, तो अब जैसे एरोफोबिया, तो एरो का मतलब होता है हवाई, हवाई यात्रा का भय, अर्थात जिस व्यक्ति को हवाई यात्रा का भय होता है उसे क्या कहते हैं, एरोफोबिया। उसी तरह जो है अगोराफोबिया, एगोराफोबिया मतलब खुले स्थान का भय, अर्थात किसी व्यक्ति को अगर खुले स्थान से भय लगता है तो एगोराफोबिया, खुले स्थान का भय। फिर एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का, हाइट से डर लगता हो किसी को तो उसको क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया, या फिर ऊंचाई का, ऊंचाई का भय। उसी तरह देखिए अर्थिमोफोबिया, अर्थमैटिक पढ़ा होगा आपने गणित, तो अर्थिमोफोबिया मतलब क्या होगा, गणित का भय, नंबर का भय, तो क्या हो जाएगा अर्थिमोफोबिया। देखिए लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये अंक गणित का भय। फिर क्रोमोफोबिया, क्रोमो मतलब होता है कलर, रंग, तो जिसका रंग से डर लगता हो, रंगों का भय, उसे क्या कहेंगे, क्रोमोफोबिया। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी होता है, फोबिया मतलब होता है, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का भय, पानी का भय। फिर मोनोफोबिया, मोनो मतलब अकेले, फोबिया मतलब भय, मोनोफोबिया मतलब कि अकेलेपन का डर, अकेलेपन से डर या अकेलेपन से भय। उसके बाद एंग्लो, एंग्लो मतलब होता है अंग्रेजी और फोबिया मतलब डर, अर्थात अंग्रेजी का डर, जो व्यक्ति अंग्रेजी से डरता है वो क्या है, एंग्लोफोबिया, तो अंग्रेजी का भय। उसी प्रकार गैनी फोबिया, तो देखिए गैनी मतलब होता है शादी और फोबिया मतलब होता है भय, जिस व्यक्ति को शादी का भय, ऐसा शायद कोई हो, शादी का भय, शादी से जिसको डर लगता है वो कौन सा है, गैनी फोबिया, अर्थात शादी से भय या शादी से डर, जिसको शादी से डर लगता हो वो कौन सा है, गैनिडोफोबिया, ऐसा कोई है नहीं वैसे। डेमोफोबिया मतलब भीड़ का भय, भीड़ का भय। उसके बाद क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब अंधेरे, तंग स्थान, मतलब अंधेरे स्थान का भय जो होगा वो क्लेस्ट्रोफोबिया होगा, अंधेरे का भय। उसके बाद हिप्पोफोबिया, हिप्पो मतलब होता है घोड़ा और हिप्पोफोबिया मतलब घोड़े का भय, जो घोड़े से डरता होगा उसे क्या कहेंगे, हिप्पोफोबिया, घोड़े का भय। फिर कैकोफोबिया, देखिए कैकोफोन, कैकोफोन मतलब कर्कश आवाज, जो चुभती हो, उसी तरह कैकोफोबिया मतलब, कैकोफोबिया मतलब बदसूरती का भय, बदसूरती का भय। फिर थर्मोफोबिया, देखिए थर्मोडायनेमिक आपने पढ़ा होगा, तो थर्मोडायनेमिक मतलब ऊष्मा गतिकी, उसी प्रकार थर्मो मतलब ऊष्मा और फोबिया मतलब भय, अर्थात ऊष्मा का, ऊष्मा का भय। उसके बाद देखिए आगे लिखा है पेनियोफोबिया, तो पेनियोफोबिया मतलब क्या होता है, गरीबी का भय, पेनियोफोबिया मतलब गरीबी का भय। फिर हेलमिंथोफोबिया, हेलमिंथोफोबिया मतलब हेलमिंथ मतलब कीट होता है, कीट पतंग, छोटे छोटे जो
कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वही है हेलिथ्रोफोबिया, मतलब कीटों का भय, कीटों का भय। फिर टैक्सिकोफोबिया, देखिए टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब होता है जहर, तो टॉक्सिकोफोबिया मतलब जहर का भय, जहर से डर, जहर का भय। फिर नॉक्टिफोबिया, नॉक्टी मतलब होता है रात्रि, फोबिया मतलब भय, तो रात्रि का भय, रात्रि का भय। फिर मेट्रो, मेट्रोफोबिया, तो मेट्रो मतलब कविता होता है, मेट्रोफोबिया मतलब कविता का भय। फिर आगे एंड्रो, एंड्रो मतलब मनुष्य, फोबिया मतलब भय, मनुष्य का भय, जिस व्यक्ति को मनुष्य से डर लगता हो तो उसे क्या कहेंगे, एंड्रोफोबिया, मनुष्य का भय। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, ये सब वन वर्ड है हमारे, जैसे कह दिया जाएगा कि ए मैन हु फियर, ए मैन हु फियर प्यूपिल, जो लोगों से डरता हो, एंड्रोफोबिया। ए मैन हु फियर वाटर, एक आदमी जो पानी से डरता हो, तो क्या हो जाएगा, पानी से डरने वाला, हाइड्रोफोबिया। या ए मैन हु फियर इंग्लिश, तो एक आदमी जो अंग्रेजी से डरता हो, क्या हो जाएगा, एंग्लोफोबिया। तो ये चीज है हमारी, वर्ड देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है, अर्थात अगर आखिरी में हमको फोबिया मिल जाएगा तो फोबिया का मतलब क्या होता है, भय या डर। तो ये चीज है, आप अगर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहां जुड़ जाइए, इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, और इसको तैयार करते रहिए, ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। नमस्कार।